खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, मुंबई में जो इमारत गिरी है बाइकला में, उसी की तस्वीरें आपके सामने। ये कौसर बाग बिल्डिंग है जो बाइकला के डोंगरी इलाके में गिरी है। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला ये इमारत, 5 से 6 परिवार यहां पर रहते थे। और देखिए किस तरीके से राहत बचाव कार्य की टीमें मौके पर पहुंचते हुए, गाड़ियां पहुंच रही हैं वहां पर, क्योंकि कुछ लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। इस वजह से राहत बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि ये जो इमारत है जो गिरी है मुंबई के बाइकला के डोंगरी इलाके में, बेहद पुरानी इमारत, जर्जर हालत में थी ये इमारत, ब्रिटिश काल की बनी हुई ये इमारत, और ऐसे में 4 मंजिला ये इमारत, इसका एक हिस्सा गिरा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 5 से 6 परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे थे, इस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा है। कितने लोग दबे हैं अभी इसकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है, लेकिन मुंबई हादसे की पहली तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। राहत बचाव दल किस तरीके से मलबे को हटाकर जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में जुटा है, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौके से। मृत्युंजय बताइए, अपडेट क्या है? रुमाना, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको बहुत पतली सकरी गलियां नजर आएंगी और इन्हीं सकरी गलियों में यह कौसर बाग नाम का जो इमारत है, काफी पुरानी मंजिला है, 4 मंजिला इमारत थी, इसका एक 60% हिस्सा इमारत का गिर गया है। और जो पहली आधिकारिक जानकारी आई है उसके मुताबिक 40 लोगों के दबे होने की आशंका है। इस मलबे के भीतर 40 लोग हैं और अभी फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम कर रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम अपने बेस से रवाना हो चुकी है, वो रास्ते हैं और लगभग 20 से 25 मिनट में एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। और ये जो इमारत है ये काफी पुरानी इमारत बताई जा रही है और लोग बता रहे हैं कि काफी जर्जर हालत में थी, बारिश के समय में ये रहने योग्य नहीं थी, लेकिन बावजूद इसमें परिवार के लोग रहते थे। दक्षिण मुंबई का यह डोंगरी इलाका है, बहुत सकरी गलियों वाला इलाका है और यहाँ पे इमारतें 4 मंजिला 6 मंजिला इमारतें हैं, जिसमें से ये कैसर बाग बिल्डिंग भी इमारत थी और इसका ही एक बड़ा हिस्सा गिरा हुआ है। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सिर्फ अब सिर्फ मलबा नजर आ रहा है और गली इतनी सकरी है कि यहाँ पर जो मलबा हटाना है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। और फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पुलिस ने एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है, रोक दिया है आवाजाही लोगों की और सिर्फ जो बचाव दल के लोग हैं वो घटनास्थल पर हैं। और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है जो अपने संसाधनों के साथ यहाँ पर पहुंचेगी ताकि जो बचाव कार्य है उसमें काफी तेजी आ सके। पहला आधिकारिक आंकड़ा आया है कि इसमें 40 लोगों के दबे होने की आशंका है, 6 से 7 परिवार के सदस्य हैं जो कि बताए जा रहे हैं कि इसमें दबे हो सकते हैं। और ये जो 4 मंजिला इमारत थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर कुछ दुकानें थी और पहली दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर परिवार के लोग रहते थे और यही इमारत का हिस्सा ढह गया है। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस लोकेशन की है। दक्षिण मुंबई का ये जो भाग है ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और इसी घनी आबादी वाले इलाके में यह इमारत है। ऐसे पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों का पहुंचना और बहुत मुश्किल होगा। और फिलहाल स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीमें हाथ से मलबा जितना हटा सकते हैं और ऊपरी सतह पे जो लोग दबे होंगे उन्हें तुरंत निकालकर अस्पताल पहुंचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन 40 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 40 लोग मलबे में दबे हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ी चिंता की बात है। और मुंबई में ये पहली बार नहीं हुआ है, बारिश के समय बहुत से हादसे होते हैं और उसमें से हर बार एक सुनने को आता है कि इमारत या किसी दीवार का हिस्सा ढह गया और इस बार भी यही हुआ। डोंगरी इलाके में आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी इसी प्रकार का एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें दाऊद जो अंडरवर्ल्ड डॉन है उसकी इमारत जो थी जिसमें उसका भाई रहता था वो इमारत ढह गई थी, उसके बगल की बिल्डिंग ढह गई थी और उसी तरह ये भी उसी इलाके में आता है। और यहाँ काफी पुरानी इमारतें हैं जिसमें से ये इस दुर्घटना का शिकार हुई है। फिलहाल प्राथमिक कोशिश यही है कि मलबा तुरंत हटाया जाए, जो लोग दबे हैं उन्हें तुरंत निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके लिए जितने नजदीकी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, जेजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, उनको अलर्ट पर रखा गया है, उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंचने पर काफी ज्यादा मदद कार्य में तेजी हो पाएगी, पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम और मुंबई पुलिस की टीम ही लगातार बचाव कार्य कर रही है जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। जी, बड़ी जानकारी मृत्युंजय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 40 लोग, जी हाँ, 40 लोगों के दबे होने की आशंका है।
जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि 6 से 7 परिवार जो इस इमारत में रहते थे, कौसर बाग बिल्डिंग का नाम है, इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा अब तक मैं आपको बता रही थी, लेकिन जैसा कि मृत्युंजय ने अपडेट किया, आधा नहीं 60%, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा जो भर भरा कर गिर गया। बेहद पुरानी ये इमारत, जर्जर हालत में ये इमारत थी। फिलहाल ये जो पूरा इलाका है, जैसा कि मृत्युंजय हमें जानकारी दे रहे हैं, तंग गलियों वाला इलाका, संकरी गलियां हैं, यहां पर जो बड़े वाहन है उनके पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई हैं, मुंबई पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, और जितना संभव हो सकता है हाथ से जिस तरीके से मलबा हटाया जा सकता है उसे हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को अभी मौके पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लगेगा। यह बड़ी जानकारी जो मृत्युंजय तिवारी दे रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम हाथ से ही मलबे को हटाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम आएगी तो वो अपने साथ कुछ मशीनें लेकर आएगी जिसके जरिए जल्दी जल्दी इस मलबे को हटाया जा सके, क्योंकि इसके भीतर 40 जाने फंसी हुई हैं। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, आसपास की इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, आसपास की इमारतों को खाली करा दिया। जैसे ये 11:15 बजे के करीब सबसे पहला पत्थर गिरा और अफरा तफरी मची, लेकिन लोगों को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल सका। और जैसे ये घटना हुई, आवाज आई, लोग खुद ब खुद अपने घरों से बाहर निकल आए, और अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि वहां पर गाड़ियों की प्रवेश बहुत कठिनाई से हो रही है, तो जो स्थानीय लोग हैं वो खुद भी घरों से बाहर निकल आए हैं और वो बाहर सड़क पर है। और प्राथमिकता है कि जो आसपास के नजदीक से सटे हुए इमारतें हैं काफी, और उनको तुरंत खाली कराया जाए। आवाज सुनकर ही बहुत लोग बाहर आ गए थे। एक इस बीच जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण ये मिल रही है कि इसमें घटना में और भी लोग मलबे में दब सकते थे, लेकिन आज कामकाजी दिन है, वर्किंग डे है, सुबह के वक्त 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इस इमारत में जो लोग रहते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो अपने कामों पर चले गए थे। तो इससे कुछ लोग जो है वो अपने कामों पर होंगे, शायद उन्हें इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं होगी कि उनके घर पर इस प्रकार का हादसा हो गया है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, वरना ये संख्या और बढ़ सकती थी। जो अनुमान है कि जो 40 लोग जो दबे हैं उसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है वो कामों पर निकला हुआ था। और ये जानकारी है स्थानीय लोगों के जरिए हमें मिल रही है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आसपास के जो 6 से 7 इमारतें हैं जो एकदम सटे हुए हैं, उनको लोगों को बाहर मुख्य सड़क पर हाईवे तक आने के लिए कहा है, और साथ ही जो इलाके में लोग हैं उनसे जो भी जरूरी संसाधन है मदद के लिए, जो युवा वर्ग है उससे अपील की है। तो फिलहाल स्थानीय लोग हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और पुलिस है, यही मदद कर रहे हैं मलबा हटाने में। और कोशिश है कि एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है, रास्ता पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ एम्बुलेंस जो है वो सीधे अस्पताल पहुंचे। ऐसे पर गाड़ियों की जो आवाजाही है, प्राइवेट गाड़ियों की, उसकी आवाजाही रोक दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, एक मिनट में आपको रोकूंगी, जरा सा हम नक्शा दिखाना चाहते हैं, मुंबई का नक्शा जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, एक बार फिर से हम टेलीविजन स्क्रीन पर वो नक्शा लेकर आएंगे। इस नक्शे को आप देखिए, और जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं, दक्षिणी मुंबई, ये देखिए, ये नक्शा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया है। और ये दक्षिणी मुंबई का डोंगरी इलाका, बाइकला में डोंगरी है, डोंगरी में ये कौसरबाग बिल्डिंग जो गिरी है, और ग्राउंड प्लस 4, मतलब कुल 5। मैं ये पूरा पता भी आपको बता दूंगी कहां पर ये इमारत, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं कि 5 मंजिला ये इमारत, और इस पे जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 5 से 7 परिवार इस इमारत में रह रहे थे। ये तस्वीरें आपके सामने, गली संकरी होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का इंतजार है। मृत्युंजय, अब सबसे ज्यादा इंतजार तो यकीनन यहां पर एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का होगा, क्योंकि 40 जाने यहां फंसी हुई है इस मलबे में, और उसमें भी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, जैसा कि आप बता रहे हैं मृत्युंजय। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी तो चुनौती यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, ताकि जो लोग दबे हैं तो उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। और एनडीआरएफ के पास चूंकि संसाधन होते हैं और आधुनिक संसाधन होते हैं, उनकी टीमें इसके लिए बहुत ही विशेषज्ञ होती हैं, इसके लिए काफी ट्रेनिंग करती हैं, तो वो उनके आने से तेजी मिल जाती है। हालांकि इलाकों के लिए एनडीआरएफ के पास कुछ विशेष उपकरण,
बिल्कुल, जो एनडीआरएफ के पास है उसके पास में कोई व्यक्ति अगर मलबे के भीतर नीचे तक दबा रहा तो उसके पास स्निफर डॉग होते हैं। कई बार उनके जो डिजिटल टीम होती है वो भी काफी मजबूत होती है, वो अपना खुद का एक कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। उनके जो तरीका होता है इस चीजों के लिए वो काफी तज्ञ होते हैं और डिजास्टर के समय में वो काफी ज्यादा माहिर होते हैं अपने काम को बखूबी अंजाम देने के लिए, और काफी कम समय में ये इस काम को बखूबी निभाने के लिए तैयार रहते हैं। बारिश के समय में अलर्ट मोड पर रहते हैं। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, नई तस्वीरें आई हैं, नई तस्वीरें जो आप भेज रहे हैं लगातार, पहले जरा दर्शकों को वही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इमारत ढही हुई देख रहे हैं आप, मलबा हर तरफ बिखरा हुआ, और इन तस्वीरों में आप देखेंगे स्थानीय लोग किस तरीके से, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे ही इमारत गिरी, जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग थे वो सबसे पहले पहुंचे यहाँ पर मदद के लिए। किस तरीके से लोग लगे हुए हैं, कुछ मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही है, तार जो बिखरे पड़े हैं उन्हें हटाने की कोशिशें की जा रही है, और इसके बाद सूचना दी गई पुलिस को, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये एकदम शुरुआती तस्वीरें हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके फौरन बाद की ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद की गई हैं आपके सामने हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहां पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा, और ये कई बार खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से एक युवक जो है वो इस मलबे पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यही फर्क होता है आम लोगों के पहुंचकर घटनास्थल पर मलबा हटाने और बचाव की कोशिश करने में, और एक विशेषज्ञ दल के मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और राहत और बचाव कार्य को अंजाम देने में, क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो भावनाओं में बहकर, प्रशिक्षण किसी तरीके का होता नहीं है, मदद करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कई बार उससे नुकसान ज्यादा हो जाता है। और कुछ ही देर पहले जो हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस की टीम मौजूद थी, वहां पर आप देख रहे थे किस तरीके से इस पूरे घटनास्थल को कॉर्डन ऑफ करके धीरे धीरे बचाव और राहत दल आगे बढ़ रहा है बहुत ही सावधानी से मलबे को हटाते हुए। ये मुंबई का नक्शा एक बार फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दक्षिणी मुंबई का डोंगरी इलाका जहां पर यह हादसा हुआ है, ये बड़ा हादसा हुआ है। ये पहले की तस्वीर जब सीधे भीड़ वहां पर पहुंच गई थी आम लोगों की मदद करने के लिए, वो लोग जो इस मलबे में दबे हुए थे, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने अब इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ करके इस इलाके को अब जो तरीका होता है उसी हिसाब से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी भी यहां पर एनडीआरएफ टीम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जब पहुंचेगी तो वो इसके लिए बेहतर तरीके से इक्विप्ड होते हैं, उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई होती है इसी तरीके के हादसों से निपटने की, तो वो और बेहतर तरीके से यहां पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम देंगे। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर भी इस वक्त जुड़ गए और जानकारी के साथ। जी गणेश, अपडेट। जी देखिए, ये इमारत गिरी कैसे, ये अभी फिलहाल जांच का विषय, लेकिन प्राथमिकता जो है वो सारे रेस्क्यू मिशन को इस तरह से हैंडल करना कि ताकि जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू तुरंत किया जाए और उन पर उपचार किया जाए। 40 से 50 का आंकड़ा कुछ डिजास्टर ने बताया, लेकिन 10 से 15 परिवार इस जो हिस्सा गिरा है वहां रहते थे ऐसी जानकारी है, तो 50 के ऊपर भी आंकड़ा जा सकता है, इसलिए लेवल 2 का कॉल दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंची हैं और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर है, पुलिस भी वहां मौजूद है जो मॉब कंट्रोल कर रहे हैं, स्थानिक लोग भी बड़ी संख्या में मदद कर रहे हैं, वही एम्बुलेंसेज उस तरफ मूव की गई हैं, और जो इस दक्षिण मुंबई के सरकारी अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और वहां पर इमरजेंसी से डील करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेज हैं जिनमें फर्स्ट एड का जो चीजें होती हैं वो पूरी तरह से लैस करके एम्बुलेंस वहां रवाना की गई है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इस परिसर में ये गलियां जो है काफी सक्रिय हैं, छोटी गलियां हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं उनको लाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसीलिए जेसीबी पहले वहां मूव की गई है ताकि जो मलबा है वो हटाया जाए, और ज्यादा भर जो ज्यादा जोर होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में वो है मैन्युअली मलबा हटाने के लिए, क्योंकि बड़ी मशीन यहाँ इन जगहों पर पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। दक्षिण मुंबई का ये बहुत ही सक्रिय परिसर है, तो ऐसे में इस परिसर में रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक बड़ा चैलेंज है, उससे निपटने के लिए सारी तैयारियां जो है वो की गई हैं और तुरंत वहां पर मूवमेंट हो चुकी है। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर मूव किए गए हैं, जो गार्डन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर तुरंत पहुंचेंगे और जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे, और खुद मुख्यमंत्री भी इस पर नजर रखे हुए हैं, इस हादसे पर ऐसी जानकारी मिल रही है। अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये जो इमारत थी वो जो खतरे की इमारतों की सूची होती है जो बीएमसी हर बारिश से पहले जारी करती है, इसमें इसका जिक्र या इसका उल्लेख नहीं था, इसीलिए लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन संभव है कि किसी ने इंटरनल स्ट्रक्चर
आपका में किसी को तरह का डैमेज किया हो या जिसकी वजह से जो फाउंडेशन इमारत का उसको नुकसान हुआ हो इसीलिए इमारत गिर गई हो। ये बाकी बातें हैं कि इमारत कैसे गिरी, लेकिन प्राथमिकता रेस्क्यू की है और बड़ा हादसा ये है। लेवल 2 का कॉल दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट यहाँ हो रही है। और क्योंकि मैं बता रहा हूं, लेवल 2 का कॉल, एक मिनट गणेश, आप कह रहे हैं लेवल 2 का कॉल दिया गया है, पहले जरा लेवल 2 का कॉल समझाइए। जी देखिए, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 के कॉल होते हैं। लेवल 1 का कॉल जो है वो बड़ा होता है, लेवल 2 जो है बहुत ही घातक कॉल माना जाता है। उसी हिसाब से गाड़ियां वहां भेजी जाती है। अगर लेवल 3 हो गया तो उस हिसाब से अगर 8 गाड़ियां लेवल 3 में भेजी जाती है तो लेवल 2 में 16 गाड़ियां भेजी जाती है। तो ऐसे में लेवल 2 का कॉल देने का यही मकसद होता है कि कॉल के मुताबिक वहां पर मूवमेंट हो सके। ये आपने क्लियर किया कि लेवल 2 का कॉल मतलब ये बड़ा हादसा है जो मुंबई में हुआ है। अच्छा गणेश, मैं जो तस्वीरें देख पा रही हूँ उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये जो इमारत है, ये केसरबाग बिल्डिंग जो है, ये जब गिरी तो ये बिल्कुल धस्ती चली गई जमीन में, मतलब आसपास की जो इमारतें हैं वो खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी तरफ झुक रही थी और किसी दूसरी इमारत पर गिरी, ये सीधे भरभराकर ढह गई ताश के पत्तों की तरह, कुछ इसी अंदाज में गिरी है ये इमारत। जी बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ कि शायद इंटरनली किसी ने स्ट्रक्चर को डैमेज किया हो जिससे फाउंडेशन वीक हो गया हो और इसीलिए सिर्फ एक हिस्सा जो आगे का हिस्सा है वो इमारत का गिरा है। तो संभव है कि जो नींव होती है इमारत की, जो पिलर्स और बीम होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उसे नुकसान हुआ होगा या किसी तरह की छेड़छाड़ संभव है हुई होगी, जिसकी वजह से ये जोर इमारत जो है पिलर और बीम उसका नहीं ले पाया या वजन नहीं ले पाया और ये पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह नीचे ढह गई। अब आगे जो है इस पर काम चल रहा है और ये इस तरह का जो कोलैप्स होता है रोमाना वो बहुत ही एक चैलेंजिंग होता है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा होता है, मलबा सीधे ऊपर की तरफ होता है, साइड में नहीं गिरता है, तो पूरा मलबा जो ऊपर है उसको साइड में करके लोगों को निकालना पड़ता है। अगर ज्यादा जगह होती मलबा दूसरी तरफ गिरता तो लोग जो बीच में फंसे उनको निकालने में थोड़ी एक, एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन इस तरह के कोलैप्स में रेस्क्यू ऑपरेशन भी है बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और उसी लिए लेवल 2 का कॉल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है गणेश, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? हम ये समझ गए कि ये बिल्डिंग जिसमें करीब 4 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है, आपने बताया कि शुरुआत में तो देखिए खबर ही आई थी कि यहाँ पर करीब 5-6 परिवार थे, उसके बाद मृत्युंजय ने बताया कि नहीं शायद 6-7 परिवार, अब आप बता रहे हैं नहीं करीब 10 के आसपास परिवार जो इस इमारत में रह रहे थे। क्या इमारत में नीचे के हिस्से में दुकानें भी थी, मतलब रिहायश के साथ साथ कमर्शियली भी क्या इस्तेमाल किया जा रहा था इस बिल्डिंग को? जी बिल्कुल, कमर्शियल प्रीमाइसेस इस बिल्डिंग के जो नीचे का जो ग्राउंड का जो फ्लोर है जहाँ स्ट्रक्चर है वहाँ पर कमर्शियल गाले जिसे कहते हैं दुकानें वहाँ चल रही थी, यानी कमर्शियली भी इसको इस प्रीमाइसेस को इस्तेमाल किया जा रहा था इस इमारत के नीचे के फ्लोर को। तो ऐसे में क्या वहाँ पर किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है क्या, ये एक सवाल है। लेकिन अब बात की बात है, प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू में लोग जो फंसे उनको बाहर निकाला जाए। आपको याद होगा कुछ साल पहले इसी दक्षिण मुंबई के डोंगरी और इस परिसर में एक इमारत गिरी थी, उसमें भी नीचे होटल। मैं जरा सा आपको रुकूंगी, देखिए लोगों को निकालने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की निगरानी में स्थानीय लोगों की मदद से देखिए किसी एक शख्स को बाहर निकालकर लाया जा रहा है, किस तरीके से लोग उसे उठाकर लेकर जा रहे हैं और प्रॉपर, क्योंकि स्ट्रेचर्स नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेचर्स नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये समझ पा रही हूँ कि शायद ये कोई चादर है, चादर पर किसी शख्स को डालकर और चादर को कोनों से पकड़कर बाहर लेकर जाया जा रहा है। आम लोग जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे घटनास्थल पर बचाव और राहत को अंजाम देने के लिए और उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच गई। और जैसा कि हमने बता रहे हैं गणेश ठाकुर कि देखिए 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 3 जो सबसे निचला लेवल होता है, लेवल 2 जो बीच का लेवल होता है जिसे काफी घातक माना जाता है, और लेवल 1 जो सबसे ज्यादा भयानक लेवल होता है। तो यहाँ लेवल 2 की कॉल दी गई, मतलब करीब आसपास 16 गाड़ियां यहां पर इस वक्त राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंच जानी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम चंद मिनटों के बाद यहां पर पहुंच जाएगी। अभी फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। 40 से 50 लोग जो हैं वो इस मलबे में दबे हुए हैं। बड़ी बात यह कि 40 से 50 लोग मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें निकालना है, उन्हें जल्द से जल्द निकालना है, यही इस वक्त राहत बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक एक मिनट जिंदगी पर भारी साबित हो सकता है। मुंबई जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से हरकत में आ गए हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी गणेश जी, देखिए अभी जानकारी मिल रही है
कि इसमें लेवल टू के ऊपर का कॉल अब ये संभवता हो सकता है, इसीलिए अब ज्यादा गाड़ियां एडिशनल गाड़ियां वहां भेजी जा सकती है। ये यहां पर अभी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह शुरुआत में जो खबरें आई थी प्रशासन को भी, वो था कि एक हिस्सा गिरा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब बचाव कार्य शुरू किया गया तो पता चला कि इसमें और आवाज कट रही है। गणेश ठाकुर, आपकी आवाज कट रही है, अभी आ रही है आवाज नहीं। जी 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 जी, प्लीज बताइए। तमाम जो आसपास की फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं अलर्ट, अब वहाँ इस दिशा में रवाना किया गया है, और यहाँ इस पूरे परिसर को जहाँ ये इमारत गलियां हैं यहाँ सिर्फ लोगों को नहीं, साफ आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा से हम कॉल मिलाते हैं गणेश ठाकुर को, क्योंकि आवाज कट कट कर आ रही है, हमें साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम गणेश से बात करेंगे क्योंकि गणेश ही सही जानकारी इस वक्त दे सकते हैं। और ये ताजा तस्वीरें भी आपके सामने आ गई है, देख लीजिए ये ताजा तस्वीरें डोंगरी इलाके की। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से तंग गलियों वाला ये इलाका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी तंग गलियां हैं। यहां पर राहत और बचाव के लिए जो उपकरण चाहिए होते हैं, जो वाहन चाहिए होते हैं, उनका पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। किस तरीके से ये बिल्कुल तंग इलाका, गलियों वाला इलाका, ऐसा इलाका जहां पर बहुत ही कम जगह है बड़े वाहन उपकरण पहुंचने की, और आम जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ यहां पर देखिए कैसे हुजूम यहां पर लोगों का जुट गया है। राहत और बचाव कार्य को बढ़ाने के लिए आगे जो प्रशिक्षित टीम है, क्योंकि आप यहां पर फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मी भी देख रहे हैं सर पर हेलमेट लगाकर, वो भी यहां पर मौजूद हैं। मुंबई पुलिस के लोग भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, और स्थानीय लोग जो बढ़ चढ़ कर राहत और बचाव में मदद कर रहे हैं इन प्रशिक्षित टीमों की। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, शायद किसी को इस मलबे से निकाला गया, उसी को चादर में लपेट कर, चादर के सहारे उठाकर बल्कि वो एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इतनी कम जगह है यहाँ पर एम्बुलेंसेस पहुंच नहीं सकती हैं, स्ट्रेचर अभी मुहैया नहीं हुई है इस इलाके में। ऐसे में जो लोग हैं वो खुद ही मदद कर रहे हैं, जो घायल बाहर निकाले जा रहे हैं उन्हें किसी तरीके से एम्बुलेंस तक पहुंचाने की। और ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ये इमारत गिरी। अच्छा, आसपास की जो इमारतें हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, तो ये इमारत जो गिरी है वो एकदम सीधे गिरी है, भरभराकर नीचे धंसती चली गई ताश के पत्तों की तरह। अगर मलबा साइड में गिरता है तो जानकारी ये बताते हैं कि वहां से राहत और बचाव को अंजाम देने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन क्योंकि ये इमारत सीधे गिरी है नीचे भरभराकर, ऐसे में मलबा बहुत ज्यादा और उसके नीचे करीब 50 लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त दबे हुए हैं, उन्हीं को बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। गणेश से हमारा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा था, दोबारा से हम गणेश से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है, मृत्युंजय अपडेट क्या मिल रहा है? रोमाना, आपको बता दें कि अभी भी एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, 10 मिनट से 15 मिनट का वक्त लगेगा जब एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंचेगी। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो और स्थानीय लोग लगातार इस मदद कार्य में लगे हुए हैं, और जो भी संसाधन है, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि चद्दर में उठाकर ले जाया जा रहा है, तो आपको बता दें कि काफी ज्यादा सकरी गलियां हैं कि वो एम्बुलेंस की गाड़ी नजदीक नहीं आ सकती और स्ट्रेचर बहुत ज्यादा अंदर नहीं ला सकते, तो जो पत्थर है वो मलबा गिरा हुआ है, उस मलबे से ले जाने के लिए चद्दर या इस प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल कर बाहर तक लाया जा रहा है, उसके बाद एम्बुलेंस पे रखकर अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। जी, देखिए एक बच्चे को निकाला गया है, देखिए ये तस्वीरें, बच्चा बाहर निकाला गया है, मलबे में दबा हुआ था, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, और हाथ देखिए किस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला गया है और गोद गोद में बच्चे को आगे पहुंचाया जा रहा है, जो राहत के लिए वहां पर लोग जुटे हुए हैं, एक की गोद से निकालकर दूसरे की गोद में बच्चे को दिया जा रहा है। अब जो वहां पर बचाव दल है वो बाकायदा एक कतार में खड़ा हो गया, और कतार में खड़ा हुआ मलबे से एक बच्चा निकला है, 5-7 साल का ये बच्चा रहा होगा, मासूम वक्त रहते इसको निकाल लिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, चुनौती यही बड़ी है, वक्त रहते जल्दी से जल्दी इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि एक एक मिनट जो है वो ये जिंदगियां जो इस मलबे में दबी हुई हैं उन पर भारी साबित हो सकता है। मलबे में सांस लेने में दिक्कत, चोट लगे हुए लोग जो इस मलबे में दबे हुए हैं अपने खुद तक राहत पहुंचने के इंतजार में हैं, और यही इस वक्त चुनौती की जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, बचाव कार्य को अंजाम दिया जाए।
स्थानीय लोग, जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, एनडीआरएफ की टीम अभी नहीं पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का अभी भी इंतजार है। करीब 11:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है और लेवल 2 की कॉल थी, मतलब काफी घातक यह हादसा, जिसे बढ़ाकर अब लेवल 1 मतलब बेहद भयानक हादसे की कैटेगरी में डाला जा सकता है, ऐसा गणेश ठाकुर ने हमें जानकारी दी। और यहां पर बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे ही सही। एक शख्स हमने आपको दिखाया कैसे चादर के सहारे उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, चादर में उठाकर, स्ट्रेचर है नहीं लेकिन चादर में उठाकर एम्बुलेंस तक उस शख्स को पहुंचाया गया। और एक और तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बच्चा छोटा सा 5-7 साल का बच्चा होगा, उसे मलबे से निकाला गया है, उसे मलबे से निकाला गया और गोद 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 में पास करके उस बच्चे को बाहर सुरक्षित स्थान तक एम्बुलेंस तक पहुंचाने की एक कवायद, वो भी तस्वीरें हमने देखी। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अपडेट के लिए। मृत्युंजय, एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में और कितना वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिसकर्मी जो जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं जल्दी से जल्दी बचाव कार्य को अंजाम देने की। बिल्कुल, यही प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और मलबे के भीतर दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित अस्पताल में पहुंचाया जाए, इलाज कराया जाए। आपको इस बीच 2 अपडेट दे देते हैं। पहला अपडेट आधिकारिक बयान आया है, ये वो बच्चा, एक मिनट में आपके पास आऊंगी लौटकर, ये वो बच्चा जिसे निकाला गया मलबे में से, देखिए चादर में लपेटकर छोटा सा बच्चा उसे बाहर निकाला गया है। और मैं तस्वीरें देखकर ये कह सकती हूँ कि बच्चा ठीक ही होगा, वक्त रहते उसे निकाल लिया गया। सीधे रुक करते हैं अजय दुबे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, घटना स्थल पर मौजूद है। अजय दुबे, बताइए आप इस वक्त अपडेट क्या दे सकते हैं और तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, इस पूरे लोकेशन पे प्रशासन पहुंच गया है, अच्छी बात यह है, गली के अंदर है बिल्कुल, और इस पूरे जाम के बीच फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस प्रशासन पूरी तरह से पहुंच गया है और जो लोग फंसे हैं लगातार उनको निकालने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर बिल्डिंग क्योंकि गली के काफ़ी अंदर है, रास्ता काफ़ी बंद है, इसलिए बेहद मुश्किल सामने आ रही है, पर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी से पहुँच गया है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सारे, आपको अगर दिख रहे हो भीड़ देखिए, प्रशासन देखिए, पुलिस देखिए, काफ़ी दूर तक जाम है, इस जाम के बीच से हमें आने में भी मुश्किल हुई। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बच्चों को निकालने का काम भी शुरू हो गया है, अगले कुछ मिनटों में हम आपको, हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, ये वो बच्चा जिसे सुरक्षित मलबे से निकाला गया, लेकिन बस ये तो अभी एक ही बच्चे को बाहर निकाला गया है, 40 से 50 लोग जो इस मलबे में दबे हुए हैं और ज्यादातर बच्चे ही हैं, ज्यादातर महिलाएं ही हैं जो इस वक्त इस मलबे में दबी हुई बताई जा रही हैं। करीब 10 परिवार जो इस इमारत में रह रहे थे, केसरबाग ये बिल्डिंग का नाम, डोंगरी इलाके में तंग गलियों के अंदर ये बिल्डिंग, ब्रिटिश काल के दौरान की बनी हुई बिल्डिंग, और देखिए बिल्डिंग के नीचे दुकानें थी, ऊपर घर थे। एक बार फिर से रुक करते हैं अजय दुबे का। अजय, अजय आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए आप क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास, कोई अपडेट मिल रहा है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है? जी आपको आपको आवाज आ रही हो तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है, लोगों को गली में जाने से रोका जा रहा है, जो मलबा फैला है गली के अंदर का उसे लोग अपने हाथों से मलबे को निकाल रहे हैं, हाथों हाथ लोग आपस में एक पूरी चैन बनाकर, जो छोटी सी गली में मलबे के कारण रास्ता जाम है, उस मलबे को हटाकर लोगों, जो प्रशासन है, जो एम्बुलेंस है, उनको जाने के रास्ता बना रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे जो भीड़ भाड़ और संकरी गली के बीच का रास्ता है, लोगों ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है, अपने हाथों से मलबा हटाकर गली में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके परिजन हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बेहद तनाव में हैं लोग, जो स्थायी लोग हैं वो उनको समझाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, काफी प्रशासन ने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, जो 40 के आसपास लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, लगातार उनको बिल्डिंग के अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है एम्बुलेंस के जरिए, उन्हें अस्पतालों, तो देखिए एक एम्बुलेंस लगी भी हुई है हमारे सामने, जैसे ही कोई बॉडी आ रही है उसे इस एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है और लोगों को आगे निकाला जा रहा है। जो बड़ी बात ये कि जो इमारत का मलबा है, गली देखिए कितनी संकरी है, तो इस संकरी गली से इमारत का मलबा निकालने के लिए किस तरह से लोग चैन बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे के हाथ में जो टुकड़े हैं पत्थर के, जो मलबे का कंक्रीट का टुकड़ा है उसे दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो लोग जो यहाँ पर है कोशिश कर रहे हैं रास्ता बनाने की, ताकि रास्ता बनाकर जल्द से जल्द जो स्थल है वहां तक एम्बुलेंस पहुंच सके, और लोग तो निकाले जा रहे हैं, जिनको दूर तक लेके आना पड़ रहा है उन्हें एम्बुलेंस में सीधे पहुंचाया जा सके।
बिल्कुल अजय दुबे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे वहां पर मानव श्रृंखला बना ली गई है और उसमें मलबा हटाने का काम हो, चाहे जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है मलबे में से उन्हें बाहर लाने का काम हो, तो लोगों ने बाकायदा वहां पर चेन बना ली है और कुछ इस अंदाज में, क्योंकि तंग गलियों वाला इलाका, संकरी गलियों वाला इलाका, राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एनडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने का इंतजार और ये तमाम कवायद राहत और बचाव कार्य की इस वक्त स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस के साथ मिलकर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है और मलबा भी इसी तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर मलबे का एक एक टुकड़ा पास ऑन करके बाहर किया जा रहा है और इसी तरीके से अगर किसी को निकाला जा रहा है मलबे में से, अगर कोई दबा हुआ है, जिस तरीके से एक बच्चा उसे बाहर निकाला गया, उसे भी ऐसे ही मानव श्रृंखला में एक के बाद दूसरे हाथ में पास ऑन करते हुए बाहर, जो तंगलियों से थोड़ा दूर हटकर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। एक बच्चा अब तक बचाया गया, एक और शख्स को बाहर निकाला गया, ये दो बड़ी खबरें इस वक्त जो सामने आई हैं अब तक। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अपडेट मिल रहा है एनडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में और कितना वक्त और लगेगा? जी वही बात है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है तो जो फायर ब्रिगेड है वो तो अब यहाँ तक पहुंच गया है, पर एनडीआरएफ की टीम अभी तक दिखी नहीं है यहाँ पर। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब देखिए जो चादरों की जरूरत है, अब आसपास के लोग चादरें फेंक रहे हैं अपने खिड़कियों से, अपनी छतों से, और जो स्थानीय लोग हैं उन चादरों को लेकर जो घटना स्थल है उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपको हर तरफ यहाँ पर छतों से, खिड़कियों से चादर फेंकते हुए लोग दिखाई देंगे, जो मदद करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा लोगों ने खुद संभाला हुआ है। जब तक जो डिजास्टर में मदद करने वाली संस्था है, चाहे वो एनडीआरएफ हो या और कोई संस्था, वहां तक नहीं पहुंचती है, लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। और देखिए किस तरह से घरों से चादर फेंकी जा रही है, अभी चादर लेके जिस जगह ये घटना घटी है लोग उस तरफ दौड़ रहे हैं और फायर ब्रिगेड तो पहुंच गया है। इंतजार यहां पर अब एनडीआरएफ का भी है, जो फंसे हुए लोग हैं लगातार उनको निकाला जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये संकरी गली, ये फंसा हुआ रास्ता है, इस रास्ते के बीच में जो मलबा है उसे हटाकर आपको, आपके पास मैं लौटूंगी। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। पुरानी बिल्डिंग है, खस्ता हालत में मिलेगी। क्या इतने दिन से बारिश वगैरह भी हो रही है यहाँ पे, तो ऐसा लगा था कि बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर भी लोग रह रहे थे या कुछ? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं लगा था कि गिर जाएगी, इतनी भी डेंजर दिख नहीं रही थी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग थी, अब वो कैसा गिरी क्या गिरी अल्लाह बेहतर जानता है। तो चश्मदीद को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि हाँ बिल्डिंग तो पुरानी थी लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता था कि इस तरीके से गिर जाएगी। और एक और जानकारी जो गणेश ठाकुर दे रहे थे वो ये कि जो बीएमसी की तरफ से सूची बनाई जाती है ना खतरनाक इमारतों वाली, उसमें भी, उस लिस्ट में भी इस बिल्डिंग का नाम नहीं था। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, घटनास्थल पर अजय दुबे पहुंच चुके हैं। अजय बताइए अब अपडेट क्या मिल रहा है आपको, और तस्वीरें भी दिखाते रहिए लगातार। जी ये अपडेट यही है कि इंतजार जो है एनडीआरएफ का और ऐसी संस्थाओं का, और उसके पहले जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर जो सरकारी हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस है, वो पहुंची हुई हैं। जो सबसे सकारात्मक बात है वो इस इलाके के लोगों का उत्साह है, जो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो घटना घटी है उसके बाद से देखिए जो बराबर जो विजुअल में दिखाई दे रहा है, गली के अंदर है, हमें भी पुलिस जाने से वहां पर रोक रही है खतरनाक बताकर। लोग खुद अपने हाथों से जो कंक्रीट है, जो मलबा उस इमारत का पड़ा हुआ है, उसे निकाल रहे हैं, वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है रास्ते से। तो इस तरह से आगे बढ़कर अभी लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है, फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई है, एम्बुलेंस भी पहुंच गई है, और लगातार कोशिश यही है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जाए। जो यहां पर स्थानीय लोग हैं उनसे बात हो रही है तो वो भी बता रहे हैं कि इमारत कभी इस तरह की नहीं थी, ऐसा उन्हें देख के कभी नहीं लगा, कुछ भी ऐसा जर्जर नहीं दिखाई दिया। अब जब से ये घटना घटी है देखिए इलाके में किस तरह से सनसनी का माहौल है। अब इस माहौल के बीच में जो लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद के लिए, मलबा हटाने के लिए और लोगों को अस्पताल और एम्बुलेंस पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो बेहद सकारात्मक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद बांधती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहां बढ़ चढ़ कर राहत और बचाव कार्य में मदद करते हुए मानव श्रृंखला बना ली गई है, क्योंकि बेहद संकरी, बेहद तंग गली है जिसके मुहाने पर एक तरीके से इमारत जो भरभरा कर गिरी है, और उसी पतली गली के बाहर की जो सड़क है वहां पर अजय दुबे खड़े हुए हैं और अजय हमें बता रहे हैं कैसे पूरी मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बना ली गई है, मलबे का टुकड़ा एक एक करके हटाया जा रहा है और हाथों हाथों में लोग उसको पास कर रहे हैं, उसे दूर रख रहे हैं,
क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता यही कि मलबा हटाया जाए, उसी मलबे के नीचे तो जिंदगियां फंसी हुई हैं। और इस बीच रोमाना आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी है, जिसका हिस्सा गिरा है, वो जो बिल्डिंग है वो उस लिस्ट में ही नहीं थी जिसमें खतरे वाली इमारतें होती है, यानी कि इस बिल्डिंग का नाम खतरे वाली बिल्डिंग्स की लिस्ट में था ही नहीं। जर्जर इमारत थी है, और जो लिस्ट होती है जर्जर इमारतों की, उस लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम ही नहीं था। मुंबई के की जो इमारत है जो गिर गई, डोंगरी इलाके की कौसरबाग की इमारत, और इसका नाम बीएमसी की लिस्ट में था ही नहीं। खतरे वाली इमारतों की लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम नहीं था। बीएमसी की एक लिस्ट होती है जिसमें खतरनाक इमारतों की एक सूची होती है, और इस लिस्ट में इस जर्जर बिल्डिंग का नाम ही नहीं था। तो ये बड़ी खबर, देखिए जो जर्जर इमारतों वाली लिस्ट थी उसमें इस बिल्डिंग का नाम नहीं था। हालांकि बेहद पुरानी इमारत बताई जा रही है, ब्रिटिश काल की बनी हुई ये इमारत, ये वो बच्चा जो बचा लिया गया है जिंदा, होशो हवास में ये बच्चा है। तस्वीरें देखकर आप भी समझ जाएंगे, बच्चे के हाथ में भी हरकत है, बच्चे की आंखें भी कुछ खुली हुई नजर आ रही है, और किस तरीके से जो मानव श्रृंखला बनाई गई है वो एक गोद से दूसरी गोद में बच्चे को देते हुए, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस जो है वो इस तंग गली के बाहर, सड़क जो चौड़ी सड़क है वहां पर खड़ी हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके को पुलिस की तरफ से खाली भी कराने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वो लोग, स्थानीय लोग जो राहत और बचाव में पुलिस की मदद कर रहे हैं, उन्हीं को यहां पर रोका गया है। उनको भी एक चेन की तरीके से, ह्यूमन चेन बनाकर खड़ा किया गया है, ताकि मलबा जो हट रहा है उसे दूर पहुंचाया जा सके। मलबा हटेगा तभी उसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। ये वो मासूम बच्चा, 5-7 साल का मासूम, जो समझ भी नहीं पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ, बिल्डिंग भरभराकर गिर गई और पूरा मलबा जो है वो ताश के पत्तों की तरह नीचे आकर ढह गया। आसपास की दूसरी इमारतों पर नहीं गिरा, तो आप समझ सकते हैं कि मलबे का एक तरीके से ये पहाड़ सा बन चुका है जिसे हटाना है और उसके नीचे दबी जिंदगियों को बचाना है। हम सीधे रुख करेंगे AIMIM के नेता वारिस पठान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वारिस पठान साहब, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में? देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि अंदर अभी भी काफी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और मैं आपकी जानिब से कहना चाहूंगा कि ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। 5 साल से हम लोग सत्ता में आए, तब से हमने सरकार को हर मर्तबा असेंबली के अंदर सदन में बात उठाई कि मुंबई में और मुंबई के आसपास ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती है और लोगों की जाने जा सकती है। क्या किया, जब स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरी मुंबई की जर्जर इमारतों की और बिल्डिंगों की गई थी, तो ऑडिटर ने क्या किया था? ये भी उसी इमारत में आता था। सुनिए मेरी बात, सरकार के पास फंड नहीं है इमारत बनाने को, माडा के पास फंड नहीं है इमारत बनाने के लिए, सरकार अपनी प्रायोरिटी से फेल हो चुकी है। हमने टाइम, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ? बिल्कुल, 31,000 करोड़ रुपए का मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है, जो काफी राज्यों से ज्यादा है, तो पैसा जाता कहां है? ये भ्रष्टाचारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार, ये अपने कॉफीज भर रहे हैं, अपने जेब भर रहे, और सरकार ने अपनी नीति से फेल हो गई। सरकार की प्रायोरिटीज हो गई है स्टैच्यू बनाना, बिल्डिंग नहीं बनाना, लोगों को सेफ्टी नहीं देना, ये सरकार की प्रायोरिटी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है वारिस पठान साहब, फिलहाल तो हादसा हुआ है, आप यहाँ पर इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, आप बेहतर होता ये बताते AIMIM के कितने कार्यकर्ता इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने सीधा यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट आप स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इससे ज्यादा और बात अभी नहीं कर पाऊंगी मैं, ये तस्वीरें दिखा देती हूँ एक बार फिर से। 2 दिन पहले इमारत कैसी दिख रही थी वो तस्वीर आपके सामने, ये जो ग्रे कलर की इमारत आप देख रहे हैं यही वो इमारत है जो आज गिर गई है, जिसका दूसरी तरफ आप आज मलबा पड़ा हुआ देख रहे हैं, और ये इमारत को देखकर आप समझ पाएंगे कि बिल्कुल गली के मुंह पर आखिर में जाकर यह इमारत थी, और इसके पास से तो बिल्कुल पतली सी संकरी गली, यही ग्रे रंग की इमारत आज जमींदोज हो गई, भरभराकर गिर गई। उसी मलबे से निकालकर एक बच्चा जिसे बचाया गया है, अब तक यह एक बच्चा और एक और शख्स जिसे निकाला गया, जिसे चादर पर उठाकर बाहर ले जाती हुई तस्वीरें हमारे पास है, तो अब तक हम ये कह सकते हैं कि 2 ही लोगों को इस मलबे में से निकाला गया है, और बड़ी बात यह कि 40 से 50 लोग इस मलबे में दबे होने की आशंका है। फिर से रुक करते हैं, ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, अपडेट।
जी रुमाना, देखिए बस अपडेट जो नया से नया है वो यही है कि पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबा निकले। समस्या सारी संकरी गली की है, जो एम्बुलेंस है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो जो राहत के लिए जो बचाव दल पहुंचा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस से सबकी प्राथमिकता भी मलबा निकालने की दिख रही है कि जो मलबे में लोग फंसे हैं वो बाहर निकल सके और रास्ता खुल सके। तो सारी कोशिशें भी मलबा हटाने, लोगों को बाहर निकालने और रास्ता खोलने पर है। और जो जो लोग इस मलबे को निकालने के बीच में मिल रहे हैं उन्हें एम्बुलेंस तक लाया जा रहा है, स्थानीय लोग आगे बढ़ के लगातार मदद कर रहे हैं। हम कोशिश में ये है कि किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाके विजुअली सही से दिखा सके, बता सके कि क्या चल रहा है। जी रोमाना, बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम कब तक पहुंचेगी अजय, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि 12:30 बजे से तो हम ही ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये हादसा जो है वो करीब 11:15-11:30 बजे के आसपास हुआ है। जी जी, इंतजार यहाँ भी एनडीआरएफ की टीम का है, पर देखिए एक बड़ा अभी यहाँ पर आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की एक बड़ी गाड़ी भी अब यहाँ पे पहुंच गई है। जो बड़ी समस्या इसमें है ये है रास्ते का जाम, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर तो रास्ते में हमें खुद भी दौड़ के आना पड़ा, पूरा रास्ता पैक है। अब रास्ता तो पैक है ये, पर जो ये गली है वो भी बेहद संकरी है, तो इसके अंदर पहुंचने की भी एक अलग चुनौती है। तो इंतजार लगातार एनडीआरएफ का बना हुआ है। देखिए इस बीच जो आधुनिकतम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी यहां पर पहुंच रही है, लगातार कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से राहत का काम शुरू किया जा सके। लगातार जो स्थानीय लोग हैं राहत के काम में मदद कर रहे हैं। अब देखिए कि बड़ी गाड़ी आई है और आपके पास लौटूंगी अजय, आप और जानकारियां जुटाने की कोशिश कीजिए। और इस बीच एनसीपी के नेता सांसद राज्यसभा के माजिद मेमन, उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। मुंबई में एक और इमारत ढही है जिसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी सांसद माजिद मेमन साहब। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, एक बार फिर से ऐसी हादसा जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। देखिए, मुंबई की दुर्दशा पर मैंने राज्यसभा में ये बात पिछले सप्ताह रखी रही और मैंने ये रिकॉर्ड पर है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से बलदा हुआ है, लापरवाही से भरा पड़ा है। अब ये कॉरपोरेशन भी एक राजनीतिक पक्ष का ग्रुप जो है वो मिलकर चला रहे हैं, राज्य सरकार भी वही चला रहे हैं, केंद्र सरकार भी वही चला रहे हैं, तो कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सभी चीज़ आपकी है तो आप ये कदम क्यों नहीं उठाते हैं। ये जो जितनी इमारतें हैं मुंबई में, पुरानी इमारतों का एक तयशुदा कानून है कि 10-20 साल पुरानी इमारतों का रेगुलर वहाँ एग्जामिनेशन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, पर्टिकुलरली प्री मानसून, ताकि वल्नरेबिलिटी के ये बिल्डिंग शायद गिर जाएगी है, ये बिल्डिंग में कहीं इमीडिएट रिपेयर्स की ज़रूरत है, तो वो सारे काम कर लीजिए ताकि लोग वहाँ रहने वाले। मुंबई का आलम ये है कि एक एक इंच के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, अब वो घर छोड़ के तो चले नहीं जाएंगे, तो आपको उसकी इमारत को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। जिम्मेदारी उठाया जाता है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? सब बाडा कॉरपोरेशन, ये सारे लोग जो इतने एडमिनिस्ट्रेशन में अफसर्स हैं जिनको वहाँ इंस्पेक्शन की ड्यूटी दी गई है, उनको हॉल अप किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए कि उनकी वजह से ये इस तरह। एनसीपी सांसद माजिद मेमन को सुन रहे थे आप, वो भी कहीं ना कहीं बीएमसी पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मौके पर। मौके पर ही मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे। अजय जी, देखिए कोशिश हम यही कर रहे हैं कि गली के अंदर से अंदर तक जा सके जहां पे ये पूरी घटना घटी है। स्थानीय लोग देखिए आगे बढ़े हैं मदद करने के लिए, घरों से अपने निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये एक दूसरी गली है संकरी जिससे होके हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसके भी बाहर एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश है। देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरने के बाद जो मलबे के टुकड़े हैं यहाँ भी पड़े हुए हैं, अब इन टुकड़ों के बीच में देखिए हम एकदम बिल्डिंग के नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ पर बिल्डिंग हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, अब आप देखेंगे तो आपको मलबा दिखेगा। सीढ़ी की देखिए ये रेलिंग है, जो एलमून जो भी कंक्रीट और लोहा लगा है, भारी भारी सामान यहाँ पर लोग हाथ लगा लगा के एक दूसरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से देखिए ये स्थानीय लोग यहाँ पर, आप जो भी घटना घटी तो आ गए थे यहाँ पे? हाँ, आप लोग यहाँ पे एक घंटे से, यहाँ पे प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे द मोस्ट डिसऑर्गेनाइज एरिया करके रखे, ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड घुस सकता है, ना एम्बुलेंस घुस सकती है। और यहाँ पे बताइए, आप बताइए ये बिल्डिंग क्या देखने में इस तरह से लगा कि किस तरह से कभी कोलैप्स कर सकती है, कुछ ऐसा दिखा कभी? नोटिस था इनको पहले से, नोटिस था, अरे बिल्डिंग की हालत पहले से सड़ेली थी। और ये जो मरा बेचारा उसको उसके फैमिली लगे आज गिरेंगे, आज गिरेंगे, आज गिरेंगे, वो बांद्रा में था बेचारा, वो आज बिल्डिंग गिरी गए उसके।
देखिए ये संकरी गली हमारे ठीक सामने, देखिए वो आपको मलबा दिखाई देगा इमारत का। अब इस मलबे में कैसे लोग अपने लोग आगे बढ़ के, वहां पे आपको फायर ब्रिगेड के जवान भी हेलमेट में दिखाई देंगे और आम लोग ज्यादा वहां पे दिखाई दे रहे हैं जो लगातार हाथ लगाकर मदद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां से जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आम लोग आगे बढ़े हुए हैं और लगातार देखिए हम नजदीक से नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा सही तरीके से कहानी पूरी बता सके कि क्या हुआ और अभी का क्या अपडेट है। बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जो रास्ता बंद पड़ रहा है उस हर गली में लोग खड़े हुए हैं और मलबा फिलहाल हटाने की कोशिश की जा रही है। अजय दुबे जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे वहां पर भी आपने देखा किस तरीके से वो जो मलबा पड़ा हुआ है ना उसे हटाया जा रहा है क्योंकि उस मलबे के नीचे ही दबी हुई है 40 से 50 जिंदगियां जिन पर इस वक्त एक एक मिनट जान पर भारी पड़ रहा है। ये वो बच्चा मासूम जो खुशकिस्मत रहा, वक्त रहते इसे निकाल लिया गया, बच्चा होश में है, सुरक्षित बाहर बच्चे को निकाल लिया गया, लेकिन 40 से 50 लोग हैं जो अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं और भारी भारी पत्थर, स्लैब, लोहे के टुकड़े जो यहां पर पड़े हुए हैं मलबे के तौर पर, जिनके नीचे जिंदगियां इस वक्त एक एक सांस के लिए तड़प रही हैं, इंतजार में है राहत और बचाव के। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके पर, मृत्युंजय भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। मृत्युंजय आप क्या देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप हमें क्या दिखाएंगे और क्या अपडेट देंगे? जी बिल्कुल रुमाना, मैं घटनास्थल पर पहुंच गया हूं। सबसे पहले तो जिस सड़क से मैं होकर आया वहां बता दूं कि ये एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है, इसमें सरकारी एम्बुलेंस भी है, साथ ही साथ प्राइवेट एम्बुलेंस भी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा एम्बुलेंस की सेवा चलाई जाती है, वो एम्बुलेंस भी आपको यहां पर नजर आएगी। और ये देखिए एक जो एम्बुलेंस है वो आपको यहां पर जगह जगह पर नजर आएगी। गली आप देखिए काफी ज्यादा सकरी गलियां हैं और इन्हीं सकरी गलियों में 6 मंजिला 8 मंजिला 10 मंजिला इस प्रकार से इमारतें हैं और एक बार में देखिए गाड़ी को घुमाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। यहां देखिए मेरे ठीक बगल में जो एम्बुलेंस है उसे घुमाना बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ देखिए कतार लगी हुई एम्बुलेंस की, जैसे ही अलर्ट कॉल आएगा ये एम्बुलेंस तुरंत तैयार हो जाएंगे और फिर जो भी घायल व्यक्ति होंगे उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। आपको सीधा घटनास्थल के इस सड़क पर लेकर चल रहा हूँ। देखिए पूरा जो रास्ता है वो आम पब्लिक से पूरा भरा पड़ा है और जो लोग बिल्डिंग में रहते थे आसपास की बिल्डिंगों में उस बिल्डिंगों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और वो सड़कों पर हैं। और देखिए एम्बुलेंस कम से कम हमें जो अब तक नजर आया 20 से 25 एम्बुलेंस इस सड़क पर तैनात कर दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही 4 किलोमीटर पहले से, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही 4 किलोमीटर पहले से रोक दी गई है। हमने भी करीब 3-4 किलोमीटर का पैदल चलकर यहां तक हम पहुंचे हुए हैं। सिर्फ एम्बुलेंस और जो राहत और मदद कार्य के लिए गाड़ियां आ रही हैं उन्हें ही यहां पर आने की इजाजत है। बहुत ही पतली सकरी गलियां हैं और ऐसे पर एक बार में सिर्फ एक गाड़ी जाती है और यहां भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देखिए सामने एक पतली सकरी गलियों में इस प्रकार से, और देखिए जो लोग इमारत में रहते थे वो अपना सामान लेकर किस प्रकार से निकल रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे घर के कुछ सामान हो, जरूरी सामान हो, उसे लेकर वो दूर जा रहे हैं। और उस गली में है, ये कितनी पतली सकरी गली है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पहुँचना बहुत कठिन है और इसीलिए जो जितने भी रास्ते हैं सभी बंद कर दिए गए हैं और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि किस प्रकार से राहत और बचाव कार्य होता है। और अब तक आपको बता दें कि कुछ लोगों को निकाला गया है जिसमें एक बच्चा सुरक्षित निकला है, जबकि एक जो व्यक्ति निकाला गया है वो बहुत गंभीर जख्मी हालत में निकाला गया है, उसे अस्पताल भेज दिया गया है। और यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एक गाड़ी किसी तरह से यहाँ पर पहुँच पाई है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा उसे बहुत मुश्किल से। हमारे साथ अमीन पटेल है, अमीन पटेल है स्थानीय विधायक, उनसे बात करते हैं। अमीन पटेल जी, एबी एनडीआरएफ की टीम फोन पर बात कर रहे हैं, वो एनडीआरएफ के संदर्भ में, एनडीआरएफ की टीम के बारे में थोड़ा सा अपडेट देते हैं। अभी हमारी कुछ समय पहले बात हुई थी, 10 मिनट का समय एनडीआरएफ की टीम को लगेगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पर राहत बचाव कार्य के लिए फिलहाल फायर ब्रिगेड, मुंबई फायर ब्रिगेड और की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। अमित पटेल जी आप रहिए, विधायक से बात करने की कोशिश मृत्युंजय कर रहे हैं, उनके साथ ये विधायक मौजूद है वहां पर स्थानीय जो फोन पर बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से तब तक अजय दुबे के पास आपको लेकर चलती हूँ, अजय दुबे के साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। अजय जी, देखिए रोमाना, गणेश बोल रहा हूँ, मेरे साथ स्थानीय लोग हैं। देखिए किस प्रकार लोग एक दूसरे की मदद यहाँ कर रहे हैं। आप ये मलबा जो है मैन्युअली यहाँ हटा जा रहा है। रोमाना पहले ही मैंने आपको यहाँ बड़ी गाड़ियां जेसीबी आना मुश्किल होता है और इसी वजह से ये यहाँ पर लोग देखे किस प्रकार एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मलबा पत्थर जो भी है यहाँ से एक के साथ एक पास करके आगे क्लियर किया जा रहा है। आमतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जेसीबी की मदद लेकर जो है वो मलबा हटा जाता है। यहाँ स्थानीय लोग हैं,
आप लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद आप लोग कर रहे हैं, गाड़ियां आने में दिक्कत आ रही है, क्या बताएंगे? कितने लोग फंसे अंधंध? अंदर 30 से 32 लोग फंसे हुए हैं अभी भी, और प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे को हेल्प नहीं मिल रही है। कोई भी बीएमसी का, फायर ब्रिगेड का, जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन नॉट एंटर आउट हियर, यहाँ पे एंट्री ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा के पूरा रोड ब्लॉक है, क्योंकि दिस इज अ मोस्ट अनऑर्गेनाइज प्लेस। तो यहाँ पे सरकार कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है। इमारत बनाई गई थी कह रहे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों, कुछ साल पहले? नहीं, ऐसा ऐसी कुछ माड़ा की इमारत है। Yes, it has to be हमारा सेस की हुई होगी। अच्छा, तो ये बताएं कि जब जो हादसा हुआ था उस समय सबसे पहले आप लोग आए, कितने लोगों को बाहर निकाला अब तक? 3 लोग बाहर निकले अब तक के। अब तक 3 निकले, 3 कितने निकले? परिवार रहते थे? कितने रहते होंगे भाई? तो यहाँ पर आप लोगों की बात दिखा रहे हैं। सुनिए, आप लोगों की बात दिखा रहे हैं कि आप लोग मदद कर रहे हैं, आप ही लोग मदद कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली आप लोग, भाई आप लोगों की मदद दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, देखिए एक दूसरे की लोग, एक दूसरे को लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ इस पूरे इमारत में सभी जगहों पर इसी तरह के हालात है। देखिए इमारतों में लोग अपनी जान जो है उस हाथ हथेली पर लेकर, एक तरह से खतरा जो है वो यहाँ देखने मिल रहा है। सारी इमारतें इसी प्रकार की है, प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। क्या कह रहे हैं आप? इतनी जगह में कोई ग्रिल निकालता है, हर कोई ग्रिल निकाल निकाल के अपना बड़ा कर रहा है घर, ये नहीं सोचता आने जाने जगह होनी चाहिए। वो बिल्डिंग देखो हमारी, आने एंट्रेंस भी नहीं है। ये ग्रिल देखो, जब चिल्लाओ तो कोई सुनने भी तैयार नहीं है, बोले तुम्हारी तो आधी। आपको भी डर लगता है यानी? अरे हम यहाँ रहते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रिल के हवा का नाम नहीं है, फिर भी अपना घर बड़ा करने चाहिए सबको। अब अगर कुछ हो जाएगा तो कौन निकालने वाला है? अभी यहाँ तो निकल जाएंगे, यहाँ से कौन निकालेगा? यहाँ से आधी बिल्डिंग रिपेयर हुई है, आधी नहीं हुई है, किसको क्या बोलने जाओ? बिल्डर को बोलने जाओ तो बिल्डर तो सुनते नहीं है, बोले कि आधा तुम पैसा दो, आधा पैसा दो। अरे कोई खड़े रह के काम करने वाला हो तो हर कोई खड़े रहेगा और जायका बात करेगा। कितना, एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया। लोगों का गुस्सा है यहाँ पे, जो गैर कानूनी तरीके से काम किया गया उसकी वजह से भी इमारत को नुकसान होता है। और यहाँ पर आप रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो बाहर की तरफ है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पर तमाम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए प्रशासन की तरफ से वो नहीं मिल रही है। एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। वोट चेंगा और इलेक्शन के टाइम पे जो जो चेंगा आएंगे, पब्लिक को मस्का लगाएंगे, ऐसे टाइम पे प्रशासन किधर मर जाता है मालूम नहीं है। ऐसे टाइम पे तो कम से कम आना चाहिए, बेचारे एरिया के छोकरे एकदम खड़े और सबके सब काम कर रहे, और बाकी जो प्रशासन वाले तो किधर घुस गए ले मालूम नहीं है। अल्लाह हमारे एरिया के छोकरों को बड़ी जिंदगी दे, छोकरों ने ही सब काम किए ले। स्थानीय लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इनका कहना है बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर आपको आगे जाके दिखाने की कोशिश करूंगा, सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एम्बुलेंसेस बाहर की तरफ रोक दी गई, क्योंकि अंदर की तरफ आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही संकरी गलियां हैं, यहाँ से गुजरना एक बड़ी चुनौती होती है, यहाँ से इंसान को जाने की जगह नहीं है। तो ऐसे में जब बचाव कार्य चलेगा तो यहाँ से मशीनरीज कैसे पहुंचेंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ तमाम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, और पूरे परिसर में स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को जो है हाथ मदद का हाथ देते हुए, एक लोगों को बचाने की कोशिशें यहाँ कर रहे हैं। तो गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मौके से, और गणेश बता रहे हैं किस तरीके से 30 से 32 लोग स्थानीय बता रहे हैं कि फंसे हुए हैं अभी भी। हालांकि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक 40 से 50 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। स्थानीय ने वहां पर एक बताया कि अभी तक 3 लोगों को निकाला गया, हालांकि तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई उसमें 2 लोगों को अब तक निकाला गया, जिसमें एक बच्चा और एक बड़ा शख्स, बड़े शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से जख्मी, बच्चे को तस्वीरों में देखकर कहा जा सकता है कि बच्चा करीब करीब सुरक्षित है, उसे बाहर निकाल लिया गया है। मलबे से अब तक 3 लोग निकाले गए हैं, ऐसे स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। गलियां बहुत तंग है, ये जो इलाका है वो बेहद पतली पतली गलियों वाला संकरी जगह है। ऐसे में बड़ी बड़ी चुनौती इस वक्त यही, किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जब यहां पर पहुंचेगी, क्योंकि अब तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची नहीं है, और कहीं ना कहीं इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है कि एनडीआरएफ की टीम अब तक मौके पर क्यों नहीं पहुंची। करीब 2 घंटे हो चुके हैं हादसा हुए हुए, करीब 1 घंटे के आसपास से आपका चैनल एबीपी न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं। बिल्कुल रोमाना, बड़ा अपडेट यही, करीब 12:45 बजे दोपहर यह हादसा हुआ, करीब 1.5 घंटा इस हादसे को हुए हो चुका है, लेकिन एनडीआरएफ
एनडीआरएफ की टीम अब भी नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड हालांकि मौके पर मौजूद है, अब भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। राहत और बचाव का काम मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड मिलकर कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी हाथ बटा रहे हैं। करीब 12:15 ये हादसा हुआ, ये बिल्डिंग गिरी, एनडीआरएफ लेकिन अब तक यहां पर नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, मुंबई पुलिस है, स्थानीय लोग भी हाथ बटा रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अब तक मौका वारदात पर नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लगातार युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अब तक नहीं पहुंची है। एनडीआरएफ के पहुंचने का इंतजार और एनडीआरएफ के ना पहुंचने से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी। मृत्युंजय का रुख करेंगे। मृत्युंजय, आप कुछ देर पहले विधायक से बात करने की कोशिश कर रहे थे जो यही पहुंचे हुए हैं घटना स्थल पर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? ये टॉप एंगल शॉट आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ से ये तस्वीरें और घटना स्थल यही की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये मृत्युंजय के कैमरे की ही तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गणेश जो है वो घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। गणेश, कुछ और अपडेट अब तक मिल पा रहा है? एनडीआरएफ की टीम कब तक पहुंचेगी? कुछ जानकारी ऐसी सामने आ रही है क्योंकि स्थानीय लोगों में नाराजगी हम देख पा रहे थे जब आप उनसे बात कर रहे थे, इस बात को लेकर खासी नाराजगी कि अब तक मदद नहीं पहुंची है जिस तरीके की मदद की वो उम्मीद कर रहे थे। जी बिल्कुल, रेस्पॉन्स टाइम कम करने की बात प्रशासन हर बार करती है, लेकिन रेस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए ये कभी बताया नहीं जाता। आपको बता दें 11:40 हुए को ये हादसा हुआ और अभी करीब करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा यहाँ देखने मिल रहा है, एक दूसरे को लोग मदद यहाँ पे कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस जो मेडिकल टीम है यहाँ पर, कितने लोगों को निकाला गया अभी तक? अभी तक 2 लोगों को निकाला गया, बच्चों लोगों का। एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं। क्या आप सब लोगों को अलर्ट किया गया है, हॉस्पिटल्स को क्या स्टैंड बाय मोड पे रखा गया है? सब लोगों को अलर्ट किया, हॉस्पिटल स्टैंड बाय पे सब लोग। अच्छा, तो ये मेडिकल टीम यहाँ पर है और ये लोगों देखे, ये गली है, यहीं पर लोग, यहीं से आगे इमारत चलती है और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं इतने इस पूरे परिसर में लोगों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। और यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं वो मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसमें ज़्यादा भीड़ होने से रेस्क्यू ऑपरेशन को नुकसान भी होता है, दिक्कत भी आती है उसमें, इसलिए लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और जैसा लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी प्रशासन की तरफ से वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। ये छोटी सी गली है, देखिए आप इसमें आप रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, ये हटाने के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। जरा मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय क्योंकि एक छत पर खड़े हुए हैं, वहां से अपने कैमरे के जरिए वो दिखा पाएंगे ये पूरा इलाका। मृत्युंजय दिखाइए जरा किस तरीके का है। और वही बात जो गणेश कह रहे हैं कि देखिए गलियां कितनी तंग है, आप शायद बेहतर क्योंकि ऊपर खड़े हुए हैं ऊंचाई पर तो समझा पाएंगे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत नज़दीक की 9वीं मंजिल पर हूं और एक बहुत पुरानी इमारत है और 9 फ्लोर की सीढ़ी चढ़कर हम यहां ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां से आप समझ पाएंगे कि ये परिसर कैसा है। ये देखिए टॉप एंगल और यहां से आपको समझ में आएगा, ये मुख्य सड़क है जहां से हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस अजय लगातार इस फायर ब्रिगेड गाड़ी की बात कर रहे थे। देखिए एक इस पतली सी गली में आपको 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आएंगी और स्थानीय लोग नजर आएंगे आपको। अब वहां दिखाते हैं पतली सी गली, दरअसल कोई गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती है और इसी वजह से देखिए एक एक के बाद एक सहारा बनकर हाथों में देखिए एक पत्थर आ रहा है बड़ा सा, तो उसे दूसरे को पास किया जा रहा है, तीसरे को पास किया जा रहा है और एक दूसरे का हाथ बटाते हुए जो मलबा है वो हटाने की कोशिश है। अब थोड़ा सा आपको बाईं तरफ घटना स्थल की तरफ आपको दिखा देते हैं, इस पतली गली को देखते जाइए, यहां पर कोई बाइक भी नहीं जा सकती, इतनी पतली गली है और इसी पतली गली में आपको ये मलबा हटाने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करना है। तो समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। ये जो आप पुराना छत देख रहे हैं, इसी छत के ठीक बगल में जो गली है यहीं पर वो इमारत गिरी है। ग्राउंड प्लस 3 और कुछ आधा स्ट्रक्चर बना था, लगभग 4 मंजिला आप कह सकते हैं, 4 मंजिला इमारत थी जो 11:15 के करीब ढह गई और उसके बाद में स्थानीय लोगों ने मोर्चा सबसे पहले संभाला, फिर फायर ब्रिगेड के लगातार कर्मचारी आए और फिर अब एनडीआरएफ का इंतजार हो रहा है।
आपको बता दें कि इतनी पतली सकरी गलियां हैं और आप दूर से देखें, आप आसपास के सभी इमारतों को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंगों का, उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस स्थिति में किस गलियों में लोग रहते हैं। और यहाँ पर वो इमारत काफ़ी पुरानी बताई जा रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात जो सामने आई है कि वो जर्जर इमारतों की सूची में इस इमारत का नाम नहीं था। तो एक तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा घनी आबादी वाला इलाका है और इसी में ये चार मंजिला इमारत कौसर बिल्डिंग ढह गई और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मलबा हटाने का काम जारी है। इसमें स्थानीय लोग हैं जो अंदर तो मुंबई फायर ब्रिगेड के कर्मचारी काम कर रहे हैं और बाहर जो हैं वो स्थानीय लोग हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक मलबा हटा रहे हैं, एक पत्थर से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में, इस प्रकार से पत्थर को दूर इस बिल्डिंग से हटाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि किन किन इमारतों को खाली कराया गया। ये जो आप ऊंचाई पर आप नीले रंग की थैली से ढके हुए छत दिखेंगे आपको और उसके बगल में काले रंग की छत दिखेंगे, ये आसपास के कुछ इमारतों को खाली करा दिया गया है। विशेष तौर पे वो इमारतें हैं जो 30 साल 40 साल पुरानी इमारत है। ये दक्षिण मुंबई का भाग है और थोड़ा सा मैं टॉप एंगल से पूरी दक्षिण मुंबई का एक व्यू दिखा दूं तो आप कल्पना करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ की बनावट है। ये पूरा दक्षिण मुंबई का इलाका आता है और दक्षिण मुंबई का जो इलाका है कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के समय में एकदम बसा हुआ इलाका है और बहुत ही आज के समय के हिसाब से आधुनिक तरीके से ये बसा हुआ जगह नहीं है। पुरानी बिल्डिंगें थी, बहुत सी पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर रीडेवलपमेंट के बाद फिर से नई बिल्डिंगों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन कुछ इमारतों की हालत तो पुरानी ही है और उसी में से इमारत थी जो आज इस दुर्घटना का शिकार हुई। और इस पतली गली में देखिए वो खिड़की से आपको कुछ परिवार के सदस्य झांकते हुए नजर आएंगे, दरअसल वो सभी की निगाहें टिकी हुई है घटनास्थल पर कि किस प्रकार से ये मदद कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो एक तरफ आपने देखा कि लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मदद कार्य चल रहा है, वहां पर सकरी गलियां हैं, काफी ज्यादा चुनौतियां हैं और एनडीआरएफ के आने का इंतजार है, एनडीआरएफ के आने के बाद ही इसको काफी ज्यादा बल मिलेगा। बिल्कुल मृत्युंजय ने ऊंचाई से जो तस्वीरें दिखाई उन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे अब इस इलाके के बारे में और ये भी आप जान पा रहे होंगे कि क्यों एम्बुलेंसेस जो हैं और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें बाहर की तरफ ही रोक दिया गया है, क्योंकि पूरा इलाका जो है ना एक तरीके से बेहद ज्यादा गुथा हुआ इलाका है, जगह नहीं है यहां पर चलने तक की, छोटे वाहन निकलना भी मुश्किल है। और ऐसे में जरा सोचिए कि एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंचेगी तो उसके साथ तो जाहिर सी बात है इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो वाहन होते हैं वो मौके पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हीं की मदद से तो मलबा हटाया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है इस वक्त। बिल्डिंग के मलबे में अभी भी 40 से 50 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं। जी रोमाना, इस बीच बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि जहां हादसा हुआ है वहां आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया है, आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। मुंबई के डोंगरी इलाके में चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया और उसके बाद राहत बचाव का काम चल रहा है। इस बीच बड़ा अपडेट ये कि आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। ये जो इलाका है ये मुंबई का डोंगरी इलाका है जहां पर इमारत गिरी और बड़ा अपडेट ये कि आसपास की इमारत को भी खाली करा लिया गया है। डोंगरी के चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया जिसमें अभी भी मलबे में 40 से ज्यादा लोग फंसे होने की आशंका है और इस बीच आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं और आसपास की इमारतों को भी इस वक्त खाली करा लिया गया है। मुंबई के डोंगरी इलाके में केसरबाई बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया और इस बीच आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। और इस बीच एक बार फिर से मौके से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा कि मांद्रा ने बताया आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है अब यह हादसा होने के बाद प्रशासन जाग रहा है, इतना तो कहा जाएगा। और ये देखिए कैसे मलबा हटाने का काम जो स्थानीय लोगों की मदद से अंजाम दिया जा रहा है, जो विशेषज्ञों की टीम है एनडीआरएफ की टीम वो अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। पीड़ित परिवार क्या कह रहा है आइए जरा सुनाते हैं। आप यहां से आप देख सकते हैं ये यहां से अपनों को ढूंढने की कोशिश यहां चल रही है। आपके परिवार के लोग थे इसके इनके थे तो ये अपनों को ढूंढने की कोशिश यहां तमाम लोग कर रहे हैं। यहां देखिए ये पूरी गलियों में आप देख सकते हैं यहां फायर ब्रिगेड यहां पर आकर फंस गई है। बचाव कार्य कैसे चलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर है। और लोग जो यहां पे आपका कौन 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 है मैडम, कौन है आपका, कौन घुमाया आप, कौन है घर पर? ये हमारे मेरी भाभी आई। परिवार में कितने लोग थे? कितने लोग थे? आप हम सभी दुआ करेंगे कि आपके परिवार के सभी लोग सुखरूप बाहर आए। कौन था आपके परिवार में और कितने लोग थे उनके परिवार में? एक ही भाई था। और कोई परिवार का और कोई सदस्य था? चलिए देखिए रोज ये महिला जो है अपने भाई की खोज यहाँ पे कर रही है और परिवार ये उम्मीद लगाया हुआ है कि किसी तरह सभी लोग जो मलबे में दबे हुए हैं
वो जो हैं सुरक्षित बाहर निकाले जाएं, उनको किसी तरह की हानि ना हो, और सभी दुआ कर रहे हैं यहाँ पे, दुआ इस बात की जो मलबे में लोग दबे हैं उन लोगों को बाहर जल्दी से जल्दी निकाला जाए और उन पर जल्दी से जल्दी जो ट्रीटमेंट हो वो ट्रीटमेंट होके वो सुरक्षित रहें, उनको जान को किसी तरह का नुकसान ना हो, और यही उम्मीद हम भी रखते हैं कि तमाम लोग जो फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिले, और इस गति के जरिए जो लोग फंसे हैं वो बाहर आ सके सुरक्षित तरीके से। अपनों की ये खोज यहाँ पर अब तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम लोगों की यही भावनाएं हैं, रोते बिलखते महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके परिवार के बारे में कोई अच्छी खबर कोई दे सके या ये बता सके, ये कह सके कि उनके परिवार के लोग जो फंसे हैं वो जो हैं सुरक्षित बाहर आ चुके हैं या उनको बाहर निकाला गया है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस हादसे के दौरान जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें और किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। कैमरामैन गजानन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार, जिस पर हम बने हुए हैं। मुंबई के डोंगरी इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, यहां पर 4 मंजिला इमारत जमीन दोज हो गई, बायकला का डोंगरी, और वहां पर ये बड़ा हादसा। और इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर यह कि 2 लोगों की मौत की खबर है इस हादसे में, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। पहले बताया जा रहा था करीब 40 से ज्यादा लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं मलबे में, और इस बीच बड़ी खबर यह कि 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया, लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है, और इस बीच बड़ी खबर यह कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया, मलबे में 40 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। मुंबई हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, मुंबई के डोंगरी इलाके में यह बहुत बड़ा हादसा जिसमें अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही है, 40 लोग बताया जा रहा है कि मलबे में फंसे हो सकते हैं, महिलाएं और बच्चे इनमें माने जा रहे थे, और अब बड़ी खबर यह कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और देखिए, क्योंकि 40 से 50 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसे में ये आशंका बनी हुई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में हादसा हुआ है, मुंबई का बायकला का डोंगरी इलाका, जहां पर 4 मंजिला इमारत ढह गई। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। देखिए, इस वक्त राहत और बचाव कार्य जो है वो जो दमकल की टीम है और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय लोग अंजाम दे रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का अब भी इंतजार किया जा रहा है। 2 घंटे के करीब हो चुके हैं हादसा हुए हुए, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। इलाका बेहद तंग गलियों वाला, बहुत कंजेस्टेड ये इलाका है, पुराना इलाका है, रिहायशी इलाका है, और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पर राहत और बचाव कार्य में किस तरीके की मुश्किलें पैदा आ रही हैं। लेकिन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी, खासतौर से जो स्थानीय लोग हैं वो मानव श्रृंखला बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर अपने हाथों से मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौजूद, मुंबई पुलिस की टीम यहां पर मौजूद। 40 से 50 लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका, अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, और दुखद खबर यह कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब तक हो चुकी है। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे नहीं, अजून त्याची माहिती यायची आहे, कारण साधारण 15 फॅमिलीज तिथे असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यातले किती लोक घरी होते किंवा काय याची अजून पूर्ण माहिती ही मिळालेली नाही है। अभी जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहां पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहां के बिल्डिंग के रहवासियों ने माड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहां पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहां पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहां पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीजें सामने आ जाए तो उसके बाद इसकी इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाएगा। पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा? देखिए, अभी वो तो सरकार देती है, लेकिन अभी थोड़ा सा सारी चीजें सामने आने दीजिए, उसके बाद उसकी घोषणा होगी।
तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 परिवार जो इस इमारत में रह रहे थे, 100 साल पुरानी ये इमारत, फिलहाल प्राथमिकता सरकार की ये कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और बड़ी बात ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग को मंजूरी मिल चुकी थी, ठेका दिया जा चुका था, अब कहां पर चूक हुई है इसकी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता इस बात की कि किसी तरीके से राहत और बचाव कार्य को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। लेकिन देखिए 2 घंटे होने को आए, एनडीआरएफ की टीम अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। 2 घंटे होने को आए हादसे को, एनडीआरएफ की टीम अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ये जो पूरा इलाका है वो बेहद तंग संकरी गलियों वाला इलाका, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यह हादसा हुआ। और फिर स्थानीय लोग जो सामने आए मदद के लिए, एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया, घायलों को चादर में ले जाते लोग, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई क्योंकि स्ट्रेचर यहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं, बचाव कार्य में लोग खुद जुट गए, बढ़ चढ़कर स्थानीय लोग मदद करते हुए नजर आए, जो दमकल कर्मी है उनकी और मुंबई पुलिस की।